हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज कहते किसे हैं? तो सीरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम और यू कैन से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम जनरल फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड द मेंबर ऑफ द सीरीज मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। मीन्स होमोलोगस सीरीज जो होता है वो सीरीज ऑफ क्या है? होमोलोगस सीरीज सीरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होना है, जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना है, जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन डिफर क्या करेगा, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिफरेंट हो सकते हैं। उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, और वो कंपाउंड्स जो है वो ब्रांच भी हो सकते हैं एंड अनब्रांच भी हो सकते हैं। ओके, एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखें लाइक वी कैन से होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, इज इट क्लियर? द जनरल फार्मूला अल्केन का क्या होता है? तो अल्केन का होता है CnH2n+2। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट मेंबर हम लोग बनाते हैं n equals to 1 पुट करके, तो n equals to आप यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन स्टार्ट करके बनाते हैं। तो जो फर्स्ट मेंबर बनता है वो फर्स्ट मेंबर बनता है क्या? मीथेन। ओके, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CH4। सेकंड आप देखेंगे इसका सेकंड मेंबर क्या बन जाएगा, तो सेकंड इसका होगा इथेन। ओके, और इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। तो इसी तरह से थर्ड हम लोग बना लेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन इट मीन C3H, यहां पुट कर लेंगे C3H, कितना हो गया? H8। ओके, तो वी कैन से दैट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन आर द मेंबर्स ऑफ Which series? A member of alkane, homologous series of alkane. Same as we can write here, homologous series of alcohol. Homologous series of alcohol. Okay, its general formula is CnH2n+1OH. Okay, alcohol. Alcohol का functional group क्या होता है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है ये OH। सो फर्स्ट मेंबर इसका क्या हो जाएगा? मिथनॉल। मिथनॉल एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज CH3OH। सेकंड मेंबर आप इसी फार्मूला पे n जो है n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन आप पुट करके आप बना सकते हैं। सेकंड हो गया इथेनॉल। इथेनॉल means C2H5OH। ओके, इसी तरह से थर्ड भी बना सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और सबों का होमोलोगस सीरीज आप बना सकते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल हमारा दिखा वो है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। सेकंड जो दिखा ये हो गया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, एंड सेकंड जो है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो इनमें देखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ये क्या होना है? सेम होना है। इनके पास अल्केन में कोई खास फंक्शनल ग्रुप आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अल्केन जो फैमिली है आप देखेंगे इसका जो लास्ट वाले 3 लेटर है AnE, वो सारे इसके मेंबर के पास होगा, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेम फैमिली से है। तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सबों का सेम होगा। हो सकता है कि प्रोपेन वगैरह हो, प्रोपेन के बाद आगे हम लोग बनाएंगे ब्यूटेन, तो उसमें कुछ ब्रांचिंग की जा सके, है ना, उसमें ब्रांच हो सकता है, या फिर पेंटेन वगैरह बनाएंगे तो उसमें ब्रांचिंग हो जाएगा, तो ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है, वो होमोलोगस सीरीज का मेंबर, और अनब्रांच भी हो सकता है, यानी स्ट्रेट चेन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल, इसके बाद प्रोपेनॉल बना सकते हैं, ओके, ब्यूटेनॉल बना सकते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का भी हम लोग एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करके हम लोग केमिकल कंपाउंड्स उनमें बना लेंगे। क्लियर है?
यहां देख रहे हैं कि जो भी मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी चीजें हैं, या फिर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ओके, या फिर एल्डिहाइड में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो भी आपको ये एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कंपाउंड दिखेगा जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को पोजेस करेगा, तो इसमें हम लोगों को कुछ एक चीज देखना ये है कि भाई ये अल्कोहल का हो गया, ये इथेन का हो गया, इसी तरह से इथाइन का बना सकते हैं, तो वो सारे सीरीज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हो गए होमोलोगस सीरीज के, और भी कुछ देख लीजिए, जैसे और भी कुछ हम लोग सीरीज बना लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज ऑफ, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, यानी CHO वाला जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें आप फर्स्ट जो बनाएंगे इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CHO, और यहाँ पे N का स्टार्टिंग कितने से होना है, जीरो से होना है, 1, 2, 3, 4, ये मैं आपको समझने के लिए बता दिया। तो जो फर्स्ट मेंबर होगा वो हो गया मिथेनॉल, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला CHO हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया इथेनॉल, इथेनॉल, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया क्या, CH3CHO, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सारे क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज हो गए, ठीक है। ये हो गए एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज के, ये सब मेंबर हो गए, और इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका डिफरेंट इस कारण से होता है क्योंकि जैसे ही हम लोग कार्बन, कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स वगैरह हैं वो सब इंक्रीज होते चले जाएंगे इसमें, तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो सब इनका चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया होमोलोगस सीरीज। अब हम लोगों को जानना है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, सबसे फर्स्ट आपको जानना है मेंबर्स ऑफ सीरीज, मेंबर्स ऑफ सीरीज हैविंग हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, but different their physical properties like boiling point, melting point, etc. इनका physical properties different होगा। Second जो आप जानेंगे इनमें क्या होगा, तो इनका general formula क्या होगा, general formula इनका same होगा, आप ये भी कह सकते हैं they have same general formula, they have same general formula हो सकता है, एंड क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, तो दे हैव सेम जनरल फार्मूला, ये आपको मैं बता दिया, दे हैव सेम जनरल फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। जो थर्ड एंड फोर्थ जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी द सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ सीरीज, सक्सेसिव मेंबर हम लोग कहते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल यदि अल्केन के होमोलोगस सीरीज को देखें, तो अल्केन के होमोलोगस सीरीज है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो मीथेन का जो सक्सेसिव मेंबर होगा वो होगा इथेन, और इथेन का जो सक्सेसिव मेंबर होगा वो होगा प्रोपेन। तो देखेंगे कि सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय CH2 ग्रुप, डिफर बाय CH2 ग्रुप। एज फॉर एग्जांपल यहां देखिए मीथेन का केमिकल फार्मूला है CH4 एंड इथेन का क्या है C2H6, तो बताइए मीथेन इथेन की केमिकल फार्मूला में किस तरह से डिफरेंस दिखा रहा है, तो मीथेन के पास सिंगल कार्बन है और इथेन के पास दो कार्बन है, टू कार्बन है मीथेन, तो इसका मतलब कितने कार्बन का डिफरेंस दिख रहा है, वन कार्बन का, यानी सी का, एक कार्बन का, और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है, टू हाइड्रोजन का डिफरेंस, यानी हम लोग इसी कारण से कह सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर होंगे, आप एग्जांपल मिथेनॉल अल्कोहल वाले से भी ले सकते हैं, यहां पे भी एक कार्बन, यहां पे दो कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल मिला के कितना है, चार, और यहाँ पे कितना, छह है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो रहा है, दो हाइड्रोजन का,
It means we can say that successive member of homologous series is differ by CH2 group and the four important point the molecular mass of successive member is differ by 14 U. ठीक है, as for example यहां हम देख लेते हैं मीथेन का यदि हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले तो क्या हो जाएगा 1 × 12 U plus 4 × 1 U, it means how much 16 U. एंड इथेन का निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 12 U plus 6 × 1 U यानी 24 plus 6 it means 30 U हो गया. यानी हम लोग देख रहे हैं कि सक्सेसिव मेंबर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितने से डिफर कर रहा है, तो वो डिफर कर रहा है कितने से 14 U से. वो आप अल्कोहल में भी फाइंड कर सकते हैं, एल्डिहाइड किसी का भी होमोलोगस सीरीज देखेंगे इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज में. फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया दैट होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम केमिकल मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज उनका डिफरेंट होगा. फिर क्या होगा, तो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम जनरल फार्मूला. इंपॉर्टेंट जो है वो थर्ड एंड फोर्थ है दैट सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय CH2 ग्रुप. वो CH2 ग्रुप से डिफर करेगा. एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय 14 U. आप ये चीज एल्डिहाइड में भी फाइंड कर लेंगे, अल्कोहल में भी फाइंड कर सकते हैं. ओके तो फ्रेंड्स, आज का हमारा होमोलोगस सीरीज का क्लास ओवर हुआ. मुझे पूरा बिलीव है कि आप सबों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और इसी तरह से वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक लाऊं और फिर लाइव भी मैं आऊंगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, लाइक करें. ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स.